दुनिया को आज भी मुट्ठी में रखना चाहता है यूरोप। तमाम शक्तिशाली संगठनों में केवल पश्चिम मौजूद, एशिया अफ्रीका की भागीदारी का बढ़ रहा दबाव। दोस्तों, यूरोप में आर्थिक विकास और तकनीकी विकास की वजह से आज दुनिया के तमाम मजबूत संगठनों में केवल यूरोपीय देशों का कब्जा है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसके तहत यूरोप दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। यही वजह है कि ऐसे संगठनों में एशिया अफ्रीका की भागीदारी शून्य रहती है, जिसकी वजह से आज इन संगठनों का महत्व खत्म होता जा रहा है। कभी साजिश करके यूरोप के देशों ने दुनिया के तमाम देशों को अपना गुलाम बनाया और आज भी उनके दिमाग में खुद को ज्यादा विकसित समझने का भ्रम बना हुआ है। दोस्तों, भारत आज दुनिया में आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से विश्व का पांचवां बड़ा देश है, जो जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश रक्षा क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मेडिकल के क्षेत्र में हम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। इसके बाद भी हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह नहीं दी गई है, जिसके लिए भारत लंबे वक्त से कोशिशों में लगा है। वहीं G20 का सम्मेलन खुद भारत करवा चुका है। दुनिया ने देश का दमखम देखा है। इसके बावजूद अभी भी तमाम मजबूत समूह में यूरोप भारत को स्थान नहीं दे रहा है। लेकिन आज वो वक्त है कि भारत अपना हक मांगता नहीं बल्कि छीन लेता है, और इसीलिए वो सुरक्षा परिषद के लिए मजबूती से मांग कर रहा है। भारत को चीन के अलावा दूसरे सभी स्थायी सदस्यों ने समर्थन भी दे रखा है। दोस्तों, इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को अपने देश में होने वाली G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है और भारत ने इसके लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। दोस्तों, भारत इस वैश्विक संगठन का हिस्सा भले ना हो, लेकिन भारत को इसमें हमेशा से आमंत्रित किया जाता रहा है। लेकिन अब दुनिया की मांग है कि भारत को इस संगठन का हिस्सा बनाया जाए। सवाल उठता है कि भारत को इस संगठन में शामिल करने के लिए किन किन देशों ने मांग की है, सुपर पावर का इस मामले में क्या है रुख, भारत को इसमें शामिल होने से क्या फायदा होगा, क्यों पीएम मोदी इसके लिए कर रहे हैं कोशिश। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। भारत जल्द बनेगा G7 देशों का हिस्सा, दुनिया भर से मिल रहा जबरदस्त समर्थन, सुपर पावर ने उठाया मुद्दा, बड़ी हलचल। दोस्तों, पीएम मोदी की रणनीति और देश की बढ़ती ताकत का ये नतीजा है कि आज दुनिया भर के देश भारत के साथ मजबूत संबंध रखना चाहते हैं। देश की धमक दुनिया में बढ़ती जा रही है, चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। वहीं अब भारत को G7 में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर G7 क्या है, दुनिया में इसकी क्या है अहमियत। तो दोस्तों, दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों ने मिलकर G7 का गठन किया है, जिसकी हर साल बैठक होती है, जिसमें सातों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं। भारत को हर साल बतौर अतिथि देश के तौर पर G7 की बैठक में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अभी तक भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल है और इस बार G7 की मेजबानी इटली करने वाला है, जबकि पिछले साल इसकी मेजबानी जापान ने की थी और इसके पहले जर्मनी इसका होस्ट देश था। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से बतौर मेहमान G7 में भाग लेता रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को G7 देशों के इस ग्रुप में शामिल करने की मांग कर चुके हैं और यही मांग ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कर चुके हैं, जबकि फ्रांस, जापान और इटली से भी भारत के काफी मजबूत संबंध है। 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह को पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की मांग की थी। हालांकि कोविड महामारी की वजह से G7 का 46वां शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया था, लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि G7 समूह पुराना हो चुका है और अपने वर्तमान प्रारूप में ये वैश्विक घटनाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब G7 ग्रुप को G10 या फिर G11 बना दिया जाए। ट्रंप ने G7 ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के अलावा रूस को भी शामिल करने की मांग की थी। हालांकि उसके बाद भी भारत इस समूह का हिस्सा नहीं बन पाया, जबकि इस समूह को लेकर भारत का रवैया हमेशा ही सकारात्मक रहा है। लेकिन दुनिया की ताकतें और एक्सपर्ट्स भारत को शामिल करने की वकालत करते हैं। सवाल उठता है कि एक्सपर्ट्स का इस मामले में क्या है रवैया,
किस तरह की दी जा रही हैं दलीलें? तो दोस्तों, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का हमेशा से कहना रहा है कि G7 से भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दूर रखना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है, जिसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि G7 कुल मिलाकर पश्चिमी देशों के वर्चस्व से भरा हुआ एक संगठन है और पश्चिमी देशों के मन में अभी भी अपने आप को सर्वोच्च मानने की गलतफहमी बनी हुई है और इसी वजह से अभी तक भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ सालों में भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों के आर्थिक उदय ने G7 के महत्व को कम कर दिया है और वैश्विक GDP में G7 की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। लिहाजा इस समूह के अस्तित्व पर ही अब संकट छाने लगा है। खासकर यूक्रेन युद्ध ने जिस तरह से यूरोप को प्रभावित किया है, उससे निपटने में G7 अभी तक कारगर उपाय नहीं कर पाया है। ऐसा अनुमान है कि अगले 3 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इस वक्त करीब $3.5 ट्रिलियन के आसपास आ चुका है। लिहाजा $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को और जल्द हासिल करने के लिए भारत भी G7 ग्रुप में शामिल होना चाहता है, ताकि भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजार में रियायत के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल सके। ऐसे में अगर भारत G7 ग्रुप का हिस्सा बनता है तो निश्चित तौर पर उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल होगी। वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में भारत की मजबूत दावेदारी को पूरी दुनिया मान चुकी है और तमाम देशों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि आने वाला दशक भारत का है। वहीं अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत पहले ही बन चुका है। ऐसे में भारत विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए इस ग्रुप को काफी अहमियत भी देता है। PM मोदी के प्रयासों से देश को MTCR जैसे समूह में हिस्सा बनाया गया। आज उसी की वजह से भारत अपनी मिसाइलें दुनिया के दूसरे देशों को बेचने में सक्षम हो पाया है और अब इसी तरह अर्थव्यवस्था में उड़ान भरने के लिए जल्द ही G7 का हिस्सा बन जाएगा। वहीं भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की मांग भी तेज होती जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर MTCR क्या है, भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो दोस्तों, MTCR की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मानव रहित डिलीवरी सिस्टम के प्रसार को सीमित करना था, जिसका इस्तेमाल केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक में हो सकता है। इस ग्रुप में दुनिया के प्रमुख मिसाइल निर्माता देश हैं। इसका मकसद 500 किलो वजन ले जाने वाले और कम से कम 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले मिसाइल के निर्यात या किसी तरह के व्यापक नरसंहार के हथियारों की डिलीवरी पर अंकुश लगाना है। इसके सदस्य देशों को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निर्यात नियंत्रण नीति लागू करनी होती है। 27 जून 2016 को भारत को इसमें शामिल किया गया था और अब G7 समेत तमाम शक्तिशाली समूहों का हिस्सा देश को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, देश के बढ़ते दमखम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।